बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करे। जॉन असाराफ। यही समस्या है, ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या नहीं साथ चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीजों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे भी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम, आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लीसा निकोल्स। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा हर बार। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वो तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माफ या भांप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता हूँ। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सुजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोल्स। यह उतना ही काम करत है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं,
तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज्यादातर इस समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटना को याद करते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं, तो आप सोच रहे हैं। हमने से ज्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है, जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज प्रकट होने वाली है। आप इस समय सोच रहे हैं, उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं, तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर रहा था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाइयां बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वो बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वही स्टैंडअप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंडअप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ूं। तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज ज्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहां पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंडअप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं
चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे बचना चाहता था। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देने थी, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी जिंदगी के आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है।